अक्सर आपने सुना होगा कि किसी लड़के ने अपनी पूर्व प्रेमिका से बदला लेने के लिए अपनी निजी तस्वीरें या कोई वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दी हो, या फिर किसी ने अपने पार्टनर का कत्ल करवा दिया हो। इंटरनेट की दुनिया में बदला लेने की इस प्रवृत्ति को रिवेंज पोर्न कहा जाता है, जिसकी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। खास तौर पर सोशल मीडिया से ऐसी खबरें ज्यादा आती हैं। ऐसे में रिवेंज पोर्न वीडियो पोस्ट करने जैसे साइबर अपराधों के मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार कानून में बदलाव करने पर विचार कर रही है, जिसके तहत अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई को सुनिश्चित किया जा सके। सूत्रों के मुताबिक महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ऑनलाइन सेक्सुअल अब्यूज को लेकर खास गंभीर है, क्योंकि इसका पीड़ित पर बहुत बुरा असर पड़ता है। पीड़ित को बदनामी मिलती है और यहां तक कि अपराधी के खिलाफ केस दर्ज कराने में भी उसे मुश्किलों से लड़ना पड़ता है। मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि रिवेंज पोर्न से निपटने के लिए अलग से कानून की जरूरत नहीं है, बस IPC और IT एक्ट के मौजूदा प्रावधानों को ही सख्ती से लागू किया जाए तो पर्याप्त होगा। दरअसल मंत्रालय में यह राय है कि साइबर क्राइम जैसे मामलों से निपटने को लेकर मौजूदा कानूनों में कुछ कमियां हैं। 12 मई को अंतर मंत्रालयीय समिति में विचार विमर्श के बाद ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज पर लगाम लगाने के लिए अंतरिम नियम बनाए गए। इस आदेश के तहत इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को 31 जुलाई तक इंटरनेट वॉच फाउंडेशन पर उपलब्ध सूचनाओं के मुताबिक काम करना होगा। यह फाउंडेशन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज से जुड़े URL और वेबसाइटों की ग्लोबल लिस्ट जारी करता है। इंटरनेट वॉच फाउंडेशन के जरिए सेक्सुअल कंटेंट को ब्लॉक करने या उन्हें हटाने में मदद मिलेगी। फिलहाल यह अंतरिम व्यवस्था है। अंतर मंत्रालयीय समिति ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज से जुड़ी सामग्रियों की निगरानी के लिए एक सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म पर काम कर रही है। तो रिवेंज पोर्न पर लगाम लगाने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय काफी गंभीर है, और मंत्रालय का मानना है कि रिवेंज पोर्न से निपटने के लिए बनाए गए कानून को सख्ती से लागू किया जाए और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। देखते रहिए डीबी लाइव।